अरु कहाँ है धर्मी दी? देख ना मिश्री, एक बाली रह गई है, इतनी देर लगा रही है। चलो साथ में पकड़ के लेके आते हैं। हाँ हाँ चलो। दी धर्मी, धर्मी ये रही अंगूठी। क्या छे? पता नहीं रामी बेन, मुझे तो कहा कमरे में बाली लेने आई है। रामी बेन? हाँ? आज वो मुझे भंडार घर से मिला। आ तो धर्मी ना। वो देखो पीछे का दरवाजा भी खुला है। भगवान, 1 करोड़ के गहने मैंने खुद उसे अपने हाथों से पहना है, ये सोच के कि वो मेरे राजा की होने वाली बहू है। देखो सारे के सारे गहने लेके अरे रामी बेन, आप ये क्या बोल रहे हैं? दी क्यों भागी कि वो तो खुश थी इस लगन से। अरु फोन लगा। The number you have called is currently switched off. Please try again later. इतना टाइम क्यों लग रहा है धर्मी को आने के लिए? शू थियो मने के तो बंद आ रहा है फोन। अब जो भी हो, मैं अपने राजे का लगन टूटने नहीं दूंगी। अभी वो गांव से बाहर नहीं पहुंची होगी, मैं खुद जाके उसे वापस लेके आती हूँ। रामी बहन, मैं भी आती हूँ आपके साथ। ना ना अरु, तू क्या करेगी? हूँ जाई ने ले आऊ। नहीं रामी बहन, मुझे आना पड़ेगा। दी ऐसे गई है तो आपके समझाने पर नहीं लौटेगी। मैं चलती हूँ। तू रामी बहन, अरु सही कह रही है, इसकी सुनेगी धर्मी दी। चलिए रामी बहन। कहाँ जाएगी? अरे धर्मी छे क्या वहाँ? पंडित जी कब से उसका नाम ले रहे हैं? ये तो धर्मी का ही शादी का जोड़ा है। अरु तुझे अब यही रुकना चाहिए, तेरे पापा को तू ही संभाल सकती है। अगर जरूरत लगी तो मैं तुझे बुला लूंगी वहां। अबे हूं जाऊं? ए भाई, अभी कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? रामी बहन, अब आगे थोड़ी देर पैदल चलेंगे। आगे जाके गाड़ी का इंतजाम किया है मैंने। हाँ चल। गहने कहाँ हैं? बैग में। चल जल्दी चल। धर्मी भाग गई अपने लगन से, भाग गई वो लड़की। नहीं नहीं, हमने कोई जबरदस्ती उसकी शादी तो करवाई नहीं। अपने आप चुनके ये मुखी जी को पसंद किया था शादी के लिए, ये गलत है। मैं रामी बहन कह रही थी कि 1 करोड़ के गहने थे उसके शरीर पर। ये एक क्या हमारी गर्मी एक नहीं पापा,
कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है। कैलाश, हाँ? ये देखने इतना समय क्यों लगा? बात तो ठीक चल। अरे राधन सबर राख सबर दुल्हन छे अब थोड़ी वार तो लागशे ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रामी बहन, इतनी रात को आप यहाँ? हाँ, कुछ जरूरी काम था। हो गया, अब घर जा रहे। चलो मैं छोड़ देता हूँ, सड़क बहुत सुनसान छे। गाड़ी आ रही है, मैं चली जाऊंगी, तू जा। ठीक है। रामी बेन, मैं गाड़ी लेके आ गया। किसको छोड़ना है सीमा पार? रामी बेन, किसी को छोड़ना है सीमा पार, मैं छोड़ देता हूं। कौन है आपके साथ? कौन छे वहां? कोई नचकी मारी साथे भी शुक्रियो छे। लेकिन रामी बहन, उसी ने तो कहा अभी अभी चल जा यहां से। जय श्री कृष्ण। अक्कल नहीं तरमो, किसी के भी सामने कुछ भी बकता है। मैंने सोचा वो आपके साथ है। आजा आजा चल, अब कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? जा निकल। रामी बहन आप भी चलिए ना मेरे साथ जब तक अंशुल नहीं आ जाता। एक मिनट, जी रामी बेन, धर्मी दी का कुछ पता चला? हेलो रामी बेन, मैं अरु बोल रही हूँ, दी का कुछ पता चला? अरे अरु, धर्मी का कहीं पता नहीं लग रहा है, लगता है भाग गई वो। तो पहले से ही सब इंतजाम करके रखे हुए थी, बस गहनों के मिलने का इंतजार कर रही थी। रामी बहन आप कैसे बात कर रहे हैं, भागने का इंतजाम गहने लेकर? और उसे कैसे पता कि आज आप उसे 1 करोड़ के गहने देने वाले थे? नहीं नहीं रामी बहन, कुछ गड़बड़ है। या तो दी किसी मुसीबत में, या तो कोई ऐसी बात है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। अरु अरु, हूँ समझू छू, तुझे ये मानने में मुश्किल हो रही है, इसीलिए तो मैं उसे ढूंढने के लिए आगे तक जा रही हूँ। नहीं रमी बहन, आप बताइए आप कहाँ हैं, मैं आ जाती हूँ। देख तू अपने माँ बाप के पास रह, उनको तेरी ज्यादा जरूरत है। उनके सिर पे तो आसमान टूट पड़ा होगा ने? मिश्री को फोन दे। हाँ, क्या बोले, क्या कहा उन्होंने? नहीं पता चला। जी रामी बहन। मिश्री, अरु अपनी बहन के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती है, लेकिन सच बात ये है कि धर्मी भाग चुकी है। वो जाऊं छू आगे तक उसे ढूंढने, पर मुझे मालूम है कि उसका कोई फायदा नहीं है। तू राजे को बोल दे कि लगन नहीं होगा।
बहुत गलत किया तेरी दी ने, बहुत गलत। रामी मैं कह रही है कि मैं महिला को सब सच बता दूं। बोल दो सबको कि महिला का लगन नहीं हो सकता। अब थाई क्यों काम? जब दुल्हन नहीं होगी और मैं आपके गुनेगार हैं। और सच कहता हूं, ये मेरी बच्ची अरु, इसका इस बात में कोई दोष नहीं। अरे अरु तो कभी चाहते ही नहीं थी कि मुखी जी और हमारी धर्मी का कोई रिश्ता हो, लेकिन हम सपने सजाए बैठे थे कि धर्मी का द्वारा घर बस जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पापा संभालिए पापा। अरे क्या संभाले बेटा, मेरी बेटी इस तरह लगन से भाग गई है, माँ बाप के मुंह पर कालक पोत, कोई रास्ता नहीं छोड़ा, कोई। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत सोचिए, मैं निकालूंगी रास्ता, मैं लेकर आऊंगी धर्मी दी को। सच कह रही है अरु, रास्ता निकलेगा, अरु ही निकालेगी रास्ता। घर में कोई भी मुश्किल हो, सब तेरी ही तरफ देखते हैं, क्योंकि तू सारी उलझनों को सुलझा देती है। पर आज एक आखिरी बार हम लोगों को बचा ले, इसके बाद हम लोग तुझसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। मम्मी, धर्मी ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है, वो तो ना समझ है, हमेशा से ना समझ थी। पर मेरी अरु बहुत अच्छी है, बहुत समझदार, अपनी दी की हर गलती को सुधारा है उसने और आज भी सुधारेगी। तुम मेरी अरु को अपनी महिला की दुल्हन के रूप में स्वीकार करोगी? स्वीकार करोगी?
रास्ता तो वही है राजे, पर कहानी बदल गई है। इस रास्ते से तू मुझे मेरी बर्बादी की ओर लेकर गया था ने? आज मैं इसी रास्ते से तेरी होने वाली पत्नी को बर्बादी की ओर लेकर जा रही हूं। मम्मी आप ही क्या बोल रही हैं? मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं। तेरे पापा गांव से बेइज्जत होके निकले, उससे बेहतर ये नहीं है कि वो कन्यादान करके जाएं? बेटा क्या कहती हो तुम? मम्मी प्लीज मुझे ये शादी नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दुनिया के डर से नहीं अरु, मेरे भैला के आने वाले कल के लिए। कुछ दिनों बाद मेरा लगन है, कुछ दिनों के बाद मैं चली जाऊंगी और भैला अकेला रह जाएगा। यही सोचकर मैं भैला का लगन कराना चाहती थी, सिर्फ यही सोचकर कि मेरे जाने के बाद भैला को कोई संभाल पाएगा। मिश्री ये तो कोई रास्ता नहीं है ना? आप लोग घबराहट में कुछ सोच नहीं पा रहे हो। मुहूर्त का समय शुरू हो गया है, कन्या को शीघ्र ही बुलाइए। अब मैं बुला के लाती हूँ। ये लो, रामी बहन वहां अपना फोन बंद करके बैठी हुई है और यहाँ इतना कांड हो गया। अब उन्हें कैसे बताऊं मैं कि अरु दुल्हन बन सकती है? नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगी दुल्हन। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, मैं नहीं, मुझे नहीं। अरे आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? धर्मी क्या है? पंडित जी बुला रहे हैं। उमा बे आप जाओ, मैं लेके आती हूँ उन्हें। पर जल्दी आओ ना दुल्हन को लेकर, वो पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। आप जाके भैला को बोलो कि दुल्हन आ रही है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.